हमारी शेरनी दोस्तों, ये है सुजुकी हायाबुसा, ज्यादातर लोगों की ड्रीम बाइक। और ये जो बाइक है भाई साहब, करती है बहुत ही कमाल। जब ये स्टार्ट होती है तो भी जो है धमाल मचा लेती है। तो गाइस, हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अगर इस बाइक के जो साइलेंसर्स हैं, जो कि करते हैं खतरनाक आवाज, इसके अंदर लगा दिया जाए बलून्स को, तो क्या होगा। हमने जो है डीजल इंजन्स के अंदर बड़े बलून्स लगाए, हमने ट्रैक्टर में जो है बड़ा बलून लगा करके ट्राई किया है, लेकिन आज हमारे पास में हमारी ये शेरनी, जिसकी जो दहाड़ है वो बड़ी ही खतरनाक है, दूर दूर तक जो लोग हैं उनको सुन जाती है। तो आज हमारे पास में है बहुत बड़े साइज के मॉन्स्टर बलून्स, और इन मॉन्स्टर बलून्स को हम लगाने वाले हैं हायाबुसा के साइलेंसर्स में। तो हमारी शेरनी के दो साइलेंसर हैं, एक इस साइड है एक उस साइड है, दोनों के अंदर लगाएंगे। पहले एक से ट्राई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे दोनों में लगाने की, और देखते हैं कि क्या ये इन बलून्स को फोड़ पाएगी, कितना देर में फुला देगी, कैसे क्या होगा, बहुत ही मजेदार होने वाला। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, इस बाइक के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। इस बाइक के अंदर लगभग 200 हॉर्स पावर का पावर है, और इस बाइक का जो इंजन है वो है 1360 सीसी का, जो कि गाड़ियों में भी नहीं होता ज्यादातर में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है बलून के पर कच्चे भी उड़ा सकती है। तो सबसे पहले तो इसको लगाना पड़ेगा पोजिशन में, तो इसको घुमाना पड़ेगा। और यार, इसका जो वजन है ना वो 250 किलो है, तो यार बहुत ज़्यादा है, इसको घुमाना अपने आप में महाभारत है, ठीक है। तो इसलिए इसको रोज़ाना निकल लेके भी जो है नहीं निकल सकते, कभी कभार ही जो है ये बाइक चलती है। और आप लोग देख सकते हो कि ये पीछे ही जो है बड़ी मुश्किल से जा रही है, बस ठीक है कर लूँगा मैं। तो गाइस, जो बाइक है वो पोजिशन में लग चुकी है, और अब इसके अंदर बलून लगाने हैं। सबसे पहले एक बलून के साथ में ट्राई करते हो, देखते हैं उसका क्या होता है। दोस्तों, आप लोग इस बलून का साइज देखो, ये जो बलून है आज तक एक बार भी नहीं फूला। और जरा इसके साइज पे नजर डालो भाई साहब, कितना बड़ा है। ये जो है इंसान के बराबर साइज का हो सकता है बड़ा हो कैसे, तो जब इसको नॉर्मली फुलाया जाए, और इसको यार मुंह से भी नहीं फुलाया जा सकता, इसमें बहुत ही ज्यादा हवा चाहिए, इसके लिए स्पेशल कंप्रेशर सी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो साइलेंसर है बाइक का, इसमें इसको घुसाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यार इसका जो मुंह है वो छोटा है, और इसका जो है ये काफ़ी चौड़ा है, बट स्टिल यार फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो आ गया, लेकिन ये फिसल जाएगा, इस पर थोड़ी टेप लगा देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर बलून एकदम बढ़िया से लग चुका है। अब करते हैं शेरनी को स्टार्ट, और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं एक बार स्टार्ट करते ही ये ना उड़ जाए। गाड़ी को न्यूट्रल करना पड़ेगा, और अब कर रहा हूँ स्टार्ट। और अरे यार, भर रहा है बलून जो है, बहुत थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंसर में कोई होल होगा, उस होल में से जो एयर का प्रेशर है ना वो वापस चला जा रहा, तो बलून बड़ा नहीं हो पाया यहाँ पर। लेकिन हमने अभी रेस नहीं मारी है। अबे हाँ, इसमें प्रेशर तो है, देखो ऐसे फूल रखा है, लेकिन वो नहीं बना। तो अब मारते हैं इसमें रेस, और फिर देखते क्या होता है। बड़ा साइज बढ़ रहा है अरे बढ़ रहा है।
आया। वाओ यार, एक बात है, अबे इतना तगड़ा, इतना खतरनाक धमाका। और यार गुब्बारे की फटने की आवाज तो सुनी नहीं, उससे पहले ही कान जो है वो पक गए। अभी भी मेरे कानों में जो है वो, क्योंकि मैं इसके इतना क्लोज हूँ ना, मेरे कानों में घूम 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 ऐसे हो रहा है और कान में खुजली चल रही है। लेकिन यार इसने जो है फटाला बलून को, लेकिन एकदम से नहीं फटा, धीरे 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 करके साइज बड़ा हुआ, उसके बाद में जो बलून फटा है। तो भाई अब एक काम और कर लेते हैं, लगे हाथों दोनों में लगाते हैं, दोनों को एक साथ फाड़ते हैं। लेकिन यार इसमें अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। और जो हमारा गोप्रो यहाँ लगा हुआ था वो नीचे पहुँच चुका है, इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ की वजह से ये नीचे गिर गया। यार क्या शोर मचाती है यार ये बाइक, मेरा तो सर घूमने लग गया। चलो दोनों में लगाते, क्योंकि यार इतना रेस कभी नहीं देते बाइक में, उससे बाइक का जो इंजन है ना वो टूटता है, इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कंटिन्यू रेस ही रेस मार रहे हैं और बाइक जो हीटअप भी जल्दी हो जाती है। लेकिन यार वीडियो के लिए भाई करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो लाइक कर देना। चलो दोनों में लगाते हैं। तो गाइस इस बार हमने दोनों साइलेंसर्स में, दोनों साइड में दो बड़े बलून्स लगा दिए हैं और इस बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, करते हैं बाइक को स्टार्ट। और यार एक साइड का बलून बड़ा हो रहा है, इस साइड का क्या बात है। गाइज यहाँ पर बाइक की आवाज में भाई साहब मुझे तो कुछ आवाज ही नहीं आई यार, कि बलून जो है वो कब चला गया, कितनी देर हो गई थी, मतलब जैसे ही ये फटा वैसे रुक गया था। ओहो गाइज ये तो यहाँ से नहीं फटा, ये तो यहाँ से जल गया। एक बार दिखाओ, एक बार जरा पास आके देखो। अबे यार गर्म है, देखो गाइज जो बलून का रबर है ना वो यहाँ पर जल गया है। ओ तेरी, देखो देखो ये तो ठंडा हो गया अभी, लेकिन आप इसको देखो। ओ तेरी भाई साहब, जो बलून है उसको इस बार इसने गर्म करके जला डाला, लेकिन काफ़ी बड़ा फुलाया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा कि बड़े बलून को जब हायाबूसा में लगाया जाता है तो क्या होता है। तो अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो में लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मज़ेदार धमाकेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।